मैंने इस पे लगवाया था पहले बैक हूटर, तो वो एसी के अंदर गिर गया, तो मैंने सोचा कि इसको निकाल दूँ कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो। तो ये चारों आराम से खुल गए, बट ये नहीं खुल रहा, ये वाला। तो इसको मैं काट रहा हूँ, आप देखो, ये देखो ये कट गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैं इसे काटूँगा। और हाँ, जब ये पेंट हुई थी गाड़ी, तो उसके पुराने वाले नट घुमा दिए थे, और ये चाइनीज़ नट इसमें लगाए थे, तो अभी ये मैं नए लगाऊंगा। और साथ में जो पुराने वाले नट होते हैं या कंपनी से फिटेड आते हैं, वो इस टाइप के होते हैं, पर इनकी भी एक प्रॉब्लम होती है कि ये बहुत जल्दी जंग खा जाते हैं। पहले ही खोलते रहे जिससे ये टूटे ना। ये देखिए, ये टूट के बाहर आ चुका है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है इसी के अंदर। क्यों लगते हैं ये देखिए, इसकी हालत देखिए। ये देखिए, इसी के लिए मैं जद्दोजहद कर रहा था, ये नीचे पड़ा हुआ था, अभी कनेक्शन तो जुड़ा है, अभी पता नहीं क्यों नहीं टूट गया हो। ये तो मैंने चेक किया, तो ये तो बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब तो नहीं बोल सकते, बना भी सकता हूँ, पर ये बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। मेन रीज़न ये है कि मेरे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, वो आप देखो, ये मैंने लगा के रखा है। इससे आपका ये भी लग जाएगा आराम से यहाँ पे, और ये मैंने एक नट लगा दिया है, तो क्या होगा ना कि ये वाला भी जो है ना, ये भी अपना टच नहीं होगा, तो आराम से काम हो जाएगा। यहाँ पे भी ये नट काट दिया है, पर ये निकल नहीं रहा है, तो मेक श्योर कीजिएगा आप हमेशा इसको बीच बीच में खोलते रहें, भले कंपनी, क्योंकि ये जंग खा जाते हैं, यहाँ पे पानी रहता है, यहाँ पे पेंट तो होता नहीं है, स्क्रैच लग जाता है, तो बीच बीच में इसे खोलते रहें रियायत के तौर पे। और फिर आप, अगर आपका ख़राब हो गया है, तो आपके ये चाइनीज़ वाले स्क्रू भी काम कर जाएंगे। एक्चुअल में ज़बरदस्ती में लगा रहा हूँ, लगाने का कोई वो नहीं है, पर क्या है ना कि जनरली बैक करते समय ना, बार बार मेरे को हॉर्न बजाना पड़ता है, तो जब हॉर्न बजाता हूँ, तो ऐसा लगता है कि सामने वाले के लिए मैं सुना रहा हूँ। और अपने पास एक्स्ट्रा भी था, तो मैं तो लगा रहा हूँ, अभी इसी से डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे, कपलर टू कपलर, कोई स्कॉच क्लिप नहीं, कुछ भी नहीं। इसमें मैं आपको बता दूं, ये ब्रेक लाइट मैंने निकाल ली है, ये जो ऊपर वाली होती है, तो इसमें मैंने पॉजिटिव दिखा दिया, ये वाला है। तो अपना ब्रेक लाइट का जो वायर होता है, वो दरअसल ये वाला होता है, ये ग्रे में वाइट लाइट जा रही है ना, ये आप सीधे से देखो, तो ये पॉजिटिव है, ओपन में निगेटिव सिर्फ एक ही चलता है, जो कि ये है, ये यहाँ पर दिख रहा है। और बैक लाइट के लिए आपका यहाँ से कलर कोड देख लो, रेड में ब्लैक है, जो कि अपना ये कलर कोड है, ये बीच में, तो यहाँ से मैं हूटर के लिए दे दूँगा, और पॉजिटिव निगेटिव मैं ब्रेक लाइट का इससे दे दूँगा, ये ग्रे वाले से और ब्लैक वाले, तो ये भी काम हो जाएगा। अगर आपको लगाना हो हूटर, तो आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ये चार स्क्रू खोलेंगे आप निकल आएगा। मैंने इसे जानबूझ के काट दिया, क्यों काटा, अब मैं इसी में टाइट कर दूंगा, अगर हो सकेगा निकल जाएगा तो निकल जाएगा, नहीं तो हटा दूंगा, क्योंकि मालूम क्या है ना कि अगर ये अंदर होके जंग खा जाता ना, तो फिर मेरी ये लाइट कभी नहीं निकलती और ये टूट जाता, तो इससे अच्छा है कि भले ही एक तो साइड में रहे, और अपना काम होना चाहिए। ये देखिए, ये प्रॉपर टाइट हो चुका है, और जो मैंने नट लगाया था सायरन के साथ, वो भी नहीं दिख रहा है। ये नट टूट गया था, तो मैंने उसको ज़्यादा नहीं छेड़ा, क्योंकि अगर दो तीन बार मैंने कोशिश की, तो एक तो उसकी चूड़ियाँ ख़त्म हो गई थी, यानी उसके रिंग ख़त्म हो गए थे, और थ्रेड्स जिसको बोलते हैं, और साथ में इसमें स्क्रैच लग रहा था, तो मैंने उसको ज़्यादा झंझट नहीं पाला, और ये प्रॉपर टाइट है, ऐसी बात नहीं। और जो मैंने नट लगाया था, वो भी आपको नहीं दिख रहा है। कनेक्शन से रिलेटेड एक और अपडेट है कि उस कपलर में वो निगेटिव वाला नहीं जा रहा था, तो दोनों को साथ में मिला के इसका और बैक गियर का उसी नट पे दे दिया, तो उसी पे टाइट कर दिया, और अंदर से टाइट किया, बाहर से नहीं किया, नहीं तो जंग खा के वो सड़ जाता, अंदर से किया है तो वो भी परफेक्ट है। अभी आप इसका रिजल्ट देख लो, यानी बेटू ब्रेक दबाओ, ये देखो अब जल रहा है, अभी बैक गियर पीछे धकेल दो थोड़ा सा, इसके अंदर है तो हल्की भीनी भीनी सी आवाज़ आती है बस, तो बढ़िया है, अभी तो ठीक है, परफेक्ट है। ब्रेक दबाओ भैया फिर से, ये देखो, ये वीडियो यहीं तक था, मैं कुछ और कर रहा था, पर मैंने सोचा कि चलिए आपसे शेयर कर दूँगा, तो बस मैंने ऐसे ही कर लिया। आपको अगर लाइट लगानी हो ऊपर की ब्रेक लाइट, तो भी काम हो जाएगा, कनेक्शन की बात जहाँ करें, हूटर भी लगाना हो तो वो भी लग जाएगा। तबीयत इस समय बहुत डाउन, पर
मेरा पता नहीं क्यों गाड़ी जब तक नहीं करता हूँ, तो यही छोटा सा काम था, मैंने कहा इसको चेक कर लूँ। एक्चुअल में क्या था ना कि ये पड़ा हुआ था तो मेरे को ये नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने निकाल दिया। और ये बॉडी बिल्कुल सड़ रही है, ये देखिए। तो इससे अपन को ये भी पता चल गया कि इनर साइड पे क्या चल रहा है, तो बाद में जाके इसको भी बनवाना आसान रहेगा, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, कम में ही हो जाए। ठंडी बहुत है, ध्यान रखिएगा, सोचूंगा कि आज ही इसे डाल दूँ। और हाँ, जितनी भी पेंडिंग वीडियो हैं, चाहे वो प्रोपेलर शाफ्ट से हो, चाहे वो आपका सेंटर लॉक स्कॉर्पियो वाला हो, वो आपको वीडियो आएंगी। एक्चुअल में क्या है कि प्रोपेलर शाफ्ट और इसकी जो वीडियो है ना, ये 50-50 एक एक घंटे की हैं वीडियो, इनको एडिट करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ी सी तबीयत सही हो जाए फिर मैं डालूँगा। बस यहीं तक था, मिलते हैं किसी और वीडियो। धन्यवाद आप सभी।